हरे कृष्णा। देखो हम लोग के अंदर में आपका एक सेवा है, आपका ये सेवा है, जैसे सब भक्त लोग आते हैं ना, सबसे पीछे आप रहना, ठीक है ना, सबसे पीछे। जैसे आप आ जाए हमें पता चल जाएगा हमारे सारे भक्त लोग आ गए, पता नहीं कहाँ बीच में कहीं भटक नहीं जाए। देखो अभी एक एक आ रहे धीरे धीरे पूछ करके। और देखो आप लोग अभी जैसे हम लोग चलेंगे ना, आप लोग लेट नहीं करना, कोशिश करना हमारे पीछे पीछे चल पड़ने के लिए, नहीं तो हम क्योंकि इधर से देखना गली गली है, एक गली में घुस जाओ तो फिर निकल नहीं पाओगे, हमको तो पता नहीं, इसलिए कोशिश करना जब हम चल पड़े ना, हमको पीछे 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 चलने के लिए कोशिश करना, नहीं तो बीच में कहीं खो जाए, इसलिए आप सबसे पीछे रहना, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा हम इसको बाद में कहाँ जाएंगे, फिर आप सबको लेकर आ जाना। देखो धीरे धीरे सब आ रहे हैं, बांगाली कोई जो भक्त आछे हाथ उठा, गोपाल रो एक बारह जन आछे, अपनारा हिंदी बुझते पारछेन तो कि बुझते पारछे ना, सब 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 हिंदुस्तानी आर हिंदी केन बुझबे ना, अपनादेर जन आमी आलादा आलादा कि गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा परम आराध्य तम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री सिद्धर गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपानुग गुरु गौड़ीय वर्ग गुरु परंपरा अनंत कोटि वैष्णव वृंद उपस्थित समस्त भक्त वृंद सबके चरण वाद हम करता दंडवत प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव के अनुगत्य में हम जिस स्थान में भी उपस्थित हुए हैं, वो स्थान का नाम क्या है? श्रृंगार भट्ट। बोले हम लोग गौड़ीय है, यद्यपि गौड़ीय शब्द का अनेक अनेक अर्थ है, एक ही अर्थ क्या है ना, गौरी मतलब श्री राधा रानी के जो अनुगत। बोलते हैं हम वही कृष्ण को अर्चन पूजन करते हैं, बल्कि मथुराधीश को हम, मथुराधीश का जो कृष्ण है उनको हम पूजन नहीं करते, द्वारकाधीश कृष्ण वो भी हम उनको पूजन नहीं करते, बल्कि महाप्रभु ने और महाप्रभु के जितने सारे अनुगत जन, ये क्या बताए, बोले आराध्य भगवान ब्रज से तनय श्रद्धा वृंदावन। बोले हम तो ये वृंदावन के ही कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही क्या करते हैं ना, भजन करते। तो ये स्थान की क्या महिमा है, हम सुबह से कालियाधाम में गए थे, तो कृष्ण ने ये महाराज रचना करने से पहले विशेष रूप में दो लीला किए, एक तो काल्यदमन लीला और दूसरा गिरिराज को धारण किए। तो इन दोनों लीला के द्वारा ये कृष्ण ने अपनी पुरुषता गुण को विशेष रूप में प्रकाशित किए, और जो गोपियों को जो मनोकामना था कि क्या सारी सारी ब्रज गोपी ये कृष्ण को उपवती भाव में प्राप्त करने के लिए चाहते थे, इसीलिए वो क्या किए ना, कृष्ण ने महाराज को रचना किए। तो जब श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किए, उस समय कृष्ण ने हम श्रवण कर रहे थे कि क्या उनका नटवर है, ये नटवर की भ्रांति क्या किए, जितने सारे गोपी थे
उनके साथ नृत्य करने लगे। तो बोले कि रसानंग समूह इति रास, जो सारी की सारी गोपियों के साथ कृष्ण ने नृत्य विलास कर रहे थे, सारी सारी गोपी को इससे प्रतीत हुआ कि कृष्ण ही क्या है ना हमारे पास में। उस समय कृष्ण इस प्रकार नृत्य कर रहे थे नटवर की भांति कि जितने भी गोपी थे सब गोपी के पास ही कृष्ण एक एक स्वरूप धारण करके वहाँ उपस्थित हुए। तो गोपियों की मन में क्या हुआ ना, अपने सौभाग्य मद उत्पन्न हुआ, अर्थात कि गोपी सोच रहे हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है क्योंकि बहुत सारी गोपी होने पर भी कृष्ण मेरे साथ है। तो इस प्रकार जब सौभाग्य मद उत्पन्न हुआ तो भी राधा रानी चाहते क्या, राधा रानी के अंदर भी मान उत्पन्न हुआ। और कृष्ण क्या कर रहे हैं ना, कृष्ण कभी तो किसका गर्व और अभिमान को सहन नहीं कर पाते, तो इसी कारण के लिए ये कृष्ण ने क्या किए, राधा रानी को लेके महाराज से अंतर्ध्यान होते। बोले पहले तो ये बात सबको पता नहीं था, और कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद सारी सारी ब्रजगोपियां भी क्या कर रहे ना, कृष्ण को अन्वेषण कर रहे, बड़ा विरह व्याकुल होके कृष्ण का अन्वेषण कर रहे, एक एक लता एक एक वृक्ष सबको प्रश्न कर रहे कि हमारे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो बाद में ये कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कहाँ किसको पूछे, बोले धरती हे पृथ्वी देवी तुम ही बताओ कि अभी कृष्ण कहाँ है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही कृष्ण विचरण कर रहे हैं, अभी विविध विविध लीलाएं कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे तरह से पता है। तो फिर पृथ्वी माता है, माता इनके दुख को सहन ना करते क्या करता है, जो श्री कृष्ण की जो चरण चिन्ह है उनको दर्शन दिलाते हैं। तो गोपी कृष्ण के चरण चिन्हों को ही अनुसरण करते करते जब आते हैं देखते तो कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा है और उसके अंदर भी दोनों चरण के बीच और के छोटे से चरण चिन्ह पड़े। तो वो किसका चरण चिन्ह था, तो गुरु जी बताते हैं बोले कि कृष्ण अकेले नहीं है, ये किसके साथ है ना, राधा रानी के साथ है। तो फिर पता चला कि ये तो राधा रानी के जो चरण चिन्ह ये सबको पता नहीं है इनका चरण चिन्ह है। तो बाद में जो स्वपक्ष गोपी थे, जो राधा रानी के पक्षपाती गोपी थे, इनको ही पता है कि क्या ना ये राधा रानी के चरण कमल है। तो कृष्ण ने राधा रानी को लेके राष्ट्र से अंतर्ध्यान होकर इसी केस को अच्छे से सजावट करते हैं। इसलिए केशव ये तो माधुर्य रस की ये प्रकाश है कि कृष्ण ने क्या करते हैं ना, अच्छे से श्रृंगार करते हैं किसके, ना श्री राधा रानी के। तो इधर ये आके राधा रानी के विशेष रूप में श्रृंगार अभी तो क्या कर रहे थे, कृष्ण का अन्वेषण कर रहे थे। तो कुछ गोपी ने आसपास आ गए, तो कृष्ण भी सोच रहे कि क्या ना अभी तो सारी सारी गोपी आ गए तो राधा के साथ फिर मिलन हो नहीं पाएगा। तो वास्तव में ये तो कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे और बोले कि चलो अन्यत्र कहीं शांत चले जाते। तो राधा रानी कौन है, बोले करुणा करुमय कुरुमय करुणा भरित। राधा रानी कौन है, अपार करुणामय, किसी कभी ये दुख और ये दुख कष्ट को कभी सहन नहीं कर पाते। तभी राधा रानी सोच रहे हम तो राह से अंतर ध्यान हो गए, ब्रजगोपी के विरोह को कभी ये सहन नहीं कर सके। तो राधा रानी सोच रहे कि अगर मैं कृष्ण के साथ चला जाऊं तो अभी तो कृष्ण और किसी को ढूंढेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि जितने सारे गोपी है ये कौन है, बोले राधा रानी के एक एक भाव की प्रकाश है, वेद ये मंत्र ये सारी की सारी क्या है ना, गोपी रूप धारण करके जन्म लिए। तो ये सारी की सारी जो गोपी है उनके जो भाव किसमें सम्मिलित है, राधा रानी में। तो राधा रानी कृष्ण के पास है तो कृष्ण को और किसी की जरूरत नहीं है। तभी राधा रानी सोच रहे कि ये गोपी के दुख को देखते हुए बोले इनका फिर कल्याण करने के लिए राधा रानी अपने अपने बोलने लगी कि क्या करें ना, अपने अपने राधा रानी में मन में मान उत्पन्न किए। तो बोले अगर मुझे अन्यत्र कहाँ लेना चाहते हो तो अपने गोद में ले लो। तो कृष्ण ने इस प्रकार राधा रानी के भाव को दर्शन करते हुए क्या किए, राधा रानी को इसी स्थान में फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो सारी सारी गोपी इधर आके फिर राधा रानी से मिलते और फिर गोपी गीत का प्रारंभ होता है जमुना किनारे। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और सबर करे इस स्थान में आते हैं, सब इसी भाव में विवाहित होकर इधर लोटपट पाते हैं। और जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु ब्रजधाम में गौर महाप्रभु के पहले ही इधर आए, तो इधर श्रीमन नित्यानंद प्रभु हर समय बलदेव के भाव में विवाहित होके इसी स्थान में आके विवाहित होते थे। तो ये वही स्थान है और इसका महिमा श्री गुरु तेग बहादुर जी का करें। हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल, बोले श्रृंगार बैठ की जय, जोर से सब सो गए, बोले श्रृंगार बैठ की जय। हम लोग ने श्रवण किया है ये श्रृंगार बैठी कथा। देखो जो पेड़ है ना वो एकदम सूखा हुआ है, ये द्वापर युग का ये वृक्ष है,
लेकिन कुछ दिन पहले ये वृक्षा ने अंतर ध्यान हो गए, अभी इसे जड़ है, हाँ इसकी ये अभी ये जड़ है, और इसी वृक्ष के नीचे कृष्ण राधा रानी को बैठा करके अपना हाथों से उन्होंने श्रृंगार करवाया था, इसलिए ये स्थान का नाम है श्रृंगार बैठ है। क्यों श्रृंगार करवाए, अब लोगों ने श्रवण किया, जिस समय रासलीला करते करते अभी कृष्ण गोपियों को इतने प्यार दे रहे थे, इतने प्यार दे रहे थे, जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी कृष्ण उनको दूसरे आंख में पहना दिया, जो गले की हार को कमर में, कमर के कर्धन को गले में पहन कर रखी थी कृष्ण ठीक ठाक उनको श्रृंगार कर दी, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी कृष्ण उनको पूरे कपड़ा पहना दिया, जब पहना दिया ना कहते माताओं में एक दोस्त, जानते हो क्या दोस्त तुम्हारे अंदर है, अगर पति अगर बहुत ज्यादा प्रेम करे ना फिर पति के सर पर चढ़ बैठती है पति, कहते हमारी मगर इनकी काम ही नहीं चलेगा है? अभी गोपियों के अंदर भी ये सौभाग्य मत प्रकट हुआ, सौभाग्य मत राधा, ये गोपियां क्या सोच रही हैं, अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण नहीं है, कृष्ण देखा गड़बड़ी हो रही, क्यों रासेश्वरी कौन है, राधा रानी रासेश्वरी, इसलिए आप लोग देखना कभी रासलीला देखोगे ना राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई रहती है, कृष्ण स्वयं जाकर के बोले हे किशोरी जो रास का प्रारंभ हो रही है आप कृपा करके रास में पधारो, क्योंकि रासेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी, इसलिए रास होते होते कृष्ण वहां पर थे, चंद्रावली भी थी, सबके सब वहां पर थे, लेकिन जिस समय राधा रानी रास छोड़ करके चली जाती है ना रास टूट गई, क्योंकि रासेश्वरी राधा रानी रासेश्वर कृष्ण नहीं है, कृष्ण थे लेकिन होने पर भी रास की श्रृंखला टूट गई, इसलिए वृंदावन में आओ ना देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। यहाँ जो ब्रजवासी ना बड़े चालाक है, जानते हो क्यों बोलते हैं, कहते अगर कोई अगर किसने 1000 विष्णु का नाम ले तो कहते एक राम नाम के सामने बराबर है, अगर किसने 3000 विष्णु नाम ले तो एक कृष्ण नाम के समान बराबर है, अगर किसने एक बार कृष्ण बोल दे तो 3 राम नाम हो जाता है, लेकिन अगर किसने एक बार राधा रानी का नाम ले लिया, स्वयं शास्त्र कहते हैं है, मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदुतमम, जो राधा रानी कहे कृष्ण चंद्रमा को कह रहे बोले चंद्रमा अगर किसने एक बार से राधा जी का नाम ले, कहते मेरे 100 बार नाम लेने का फल मिलता है एक राधा रानी का नाम लेने का, इसलिए वृंदावन में किसके नाम लेते हैं राधे राधे, ये लोग बड़े चालाक है ब्रजवासी है ना, बड़े चालाक जानते हैं राधे राधे राटो चले आएंगे लियारी, उनको पता है इसलिए सबके सब राधा रानी नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग भी जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, इसलिए हम भी पहले हरे बोलते हैं, हरे मतलब कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती है राधा रानी है, इसलिए अभी कहते वहां पर अभी गोपियों के अंदर में ये सौभाग्य मत प्रकट हुआ, हमें राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण, अभी कृष्ण ने सोचने लगे बोले गड़बड़ी हो रहा, रास्ते सोचते राधा रानी, राधा रानी तो मालिक रास की है, अभी ये इनके अंदर में राधा रानी का प्रति निगलित भाव होना शुरू हो गया है, बोले इनकी कोई जरूरत नहीं, हम स्वतंत्र नायिका, इसलिए कृष्ण ने क्या किया सब गोपियों को छोड़ करके कृष्ण ने कहां चली गई, ए चश्मा तो चश्मा देखो चश्मा ले जाएगा अब बंदर से इतना डरे तुम इतने बड़े होकर बंदर बढ़िया इसलिए हाँ चश्मा, अरे कृष्ण इधर सुना, अभी इतने में कृष्ण ने किया कि कृष्ण एक कुंज में गए जा करके, राधा रानी जब चली गई कुंज में गए कृष्ण ने अपना ड्रेस को बदला दिया, बदला करके सुंदर श्यामा सखी का रूप बन गई, बन करके बोले देखो चलो हम सबके सब कृष्ण को ढूंढते, कृष्ण तो चलिया है ही है, उनने क्या किया राधा रानी का हाथ को पकड़ लिया, लेकिन राधा रानी को पता नहीं कृष्ण वही उदाहरण की, और उन्होंने राधा रानी को लेकर एक कुंजे में चली गई, और कुंजे में जाकर के उन्होंने राधा रानी को उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने यहीं पर उन्होंने श्रृंगार की थी, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगार बट नाम पड़ गया, जब श्रृंगार बट कृष्ण ने श्रृंगार की उसी समय में कृष्ण यहीं पर श्रृंगार कर रहे थे, इतने श्रृंगार कर रहे थे उसमें पास में क्या हुआ गोपियों की हई हल्ला सुनने को मिला, इतने में कृष्ण बोले देखो राधे
चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर गोपियों को पता चले जाएगा क्या मैं तुम्हें अकेला ही लेकर के आया हूँ, फिर दूसरे गोपी भी मान मुंह फुला कर बैठ जाएगी, क्या दिन भर यही करते रहूंगा, उसको मनाओ दिन भर। चलो जल्दी चले जाते हैं, अगर फिर ये हो जाएगा फिर महाराज नहीं होगा, हैं राजवत महाराज नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा भी मुंह फुला कर बैठ जाएगी। लेकिन राधा रानी सोच रही है मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया कृष्ण, लेकिन ये गोपियां है कौन, बोले ये गोपियां और कहीं नहीं, कहती है आनंद चिन्मय रस प्रतिभा भी स्थाभीर एवं निज रूप कला तया भी। इसका मतलब है ये गोपियां और कोई है नहीं, ये राधा रानी ही कृष्ण की सेवा करने के लिए कितने सेवा करूं, इसलिए राधा रानी ने किया कि एक एक भाव को उन्होंने एक एक मूर्ति रूप में स्थापन की। जैसे तुंग विद्या मतलब क्या, विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ, चित्रा मतलब क्या, राधा जी के अंदर जो चित्र आठ है वो एक रूप धारण किया, ललिता मतलब क्या, राधा जी के अंदर में जो लालित सुंदरता को उन्होंने एक रूप दिया, ये और कोई नहीं, ये राधा रानी अनंत रूप में यहाँ पर कृष्ण की सेवा कर रही है। अभी राधा रानी सोच रही है ये गोपियां कृष्ण विरह में रो रही है बिलग रही है, लेकिन मैं अकेले कृष्ण को ला रही हूँ आनंद ले रही हूँ अच्छा ना काम नहीं किया, इसलिए कृष्ण बोले देखो राधे चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाते हैं। कृष्ण राधा रानी सोच रही है अगर मैं थोड़ी मानी नहीं हो जाऊ ना फिर गोपियां आ जाएगी फिर सब मिलकर के रास करेंगे। राधा रानी बोली मैं और नहीं चल पा रही हूँ, जैसे आप रास्तों से मेरे को लेकर के आए थे आप वैसे ही यहाँ से उठा कर ले चलो। बोले क्या कंधे पर बैठोगे, बोले बैठा ना। इतने में राधा रानी जब कंधे पर बैठने के लिए गई ना यहीं पर श्री श्याम सुंदर यहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान होकर कृष्णा यहाँ से चले गए और यहीं पर श्री राधा रानी हे कृष्णा हे श्याम सुंदर हे नाथ करते करते यहीं पर राधा रानी बेहोश हो जाती है। फिर गोपियां जब ढूंढते ढूंढते राधा रानी को देखा, बोले स्त्रियों में एक गुण भी है, जानते हो क्या गुण तुम्हारे अंदर में, गुण ये है अगर भले ही कोई शत्रुता क्यों नहीं हो, अभी तक तो द्वेष चल रहे थे क्योंकि चरण राधा कृष्ण का दोनों चरण में को भी, बोले यही गोपी ही ये सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण सेवा की है, क्योंकि यद्यपि वहां पर सब गोपियां थी बोले वहां पांच तरह का गोपियां थी, विपक्ष सपक्ष तटस्थ श्रुही पांच तरह का गोपियां थी, लेकिन जो कृष्ण की चरण सेवा करती वो कृष्ण गोपियां थी ना वो तो पहचान ली राधा जी की चरण, वो बड़े खुश हो गए। बोले देखो यद्यपि यहाँ पर सब गोपियां थी, सब कहते कृष्ण हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन देखो तो सही कृष्ण लेकर गए तो किसको लेकर गए हैं, क्या बोले श्री राधा रानी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभान राज नंदिनी की जय। हैं इसलिए यहाँ पर राधा रानी का नाम को डिक्लार करते हैं सर्व गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर क्या हुई, इतने में जब सिर्फ गोपियां आई देखा राधा रानी भी बड़ी दुखी होकर के यहाँ भी बेहोश पड़ी हुई, राधा जी का होश दिलवाया। अभी स्त्रियों में एक स्वभाव है अगर किसी स्त्री को देखो वो भी दुखी होकर रो रही ना उसको दुख में दुख मिला देती, बोले राधे श्याम सुंदर तेरे को भी छोड़ करके चले गए, हमें जैसे छोड़ कर गए अभी उन्होंने तुम्हें भी उन्होंने छोड़ करके चले गए, बोले हाँ मेरे को भी छोड़ करके चले गए। बोले एक काम करो, बोले क्या काम करो, बोले देखो कृष्ण को उसका भजन बड़ा प्यारा है, इसलिए भगवान कहते हैं ना अहम बसामी वैकुंठे जोगिनां हृदये न चमत् भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगियों का हृदय में भी नहीं, कहाँ रहते हो, जहाँ पर मेरे भक्त लोग एकत्रित होकर मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। चलो उनको कीर्तन बहुत प्यारा है, हैं कीर्तन बहुत उनको प्यारा है, चलो हम सबके सब यहीं पर जहाँ सब बैठे हो, ये वो स्थान है जहाँ पर गोपियां बैठ करके गोपी गीत को गाई, यहीं पर गोपी गीत को गाई है यहीं पर। बोले उन्होंने जमुना किनारे में गाए, बोले जमुना किनारे में क्यों गाए, इसका दो तीन कारण बताए। पहला कारण है बोले अगर जंगल को अंदर में भजन करेंगे इसका आवाज दूर तक नहीं जाएगी, अगर किसी खोला जगह पर आप जोर से बोलो ना आवाज देखना इको जैसी आवाज आती है। बोले बाहर अगर बैठ कर कीर्तन करेंगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएंगे, पहला कारण।
दूसरा कारण जो यमुना ये अनुराधा है, ये स्वयं कृष्ण प्रेम में रंगी यमुना काली काली है। इसलिए अगर ये यमुना अनुराधा है, इनकी कृपा के बगैर कृष्ण कभी नहीं, नहीं, नहीं मिल सकती है। दूसरा कारण, तीसरा कारण, यदि ये यमुना है ना, एक समय बहुत बड़ी सेवा की थी। बोले क्या सेवा की थी, ध्यान देकर सुना, एक छोटी स्टोरी सुना था, बाद में पूछूंगा किसको याद है। हाँ देखो, बोले एक समय क्या हुआ, श्री राधा रानी कृष्ण को कहते हैं, बोले श्याम सुंदर मैं मान करती हूँ आप मेरे को मनाते। बोले हाँ। बोले एक बार तुम मान कर मैं मना, एक बार आप मान करो मैं मनाऊ। कृष्ण बोले पुरुषों लोग थोड़ी मान करती, मान कौन करती है, बोलो कौन मान करती है, स्त्रियां मान करती, पुरुष मनाते हैं, पुरुष लोग थोड़ी। बोले एक बार मान कर ना, मैं एक बार मना करके देखती हूँ। कृष्ण बोले ठीक है। इतने में कृष्ण ने मान करके मुंह मोड़ कर बैठ गए। बैठ गए तो अभी राधा रानी मनाने के लिए कोशिश की, लेकिन देखो अगर कोई व्यक्ति सचमुच से सोया हुआ होगा ना, आप उसको जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई जान बुझ कर सोया हुआ होगा उसको आप जगा नहीं सकते। अगर मान का कोई कारण होता तभी तो मान बनेगा, लेकिन यहाँ तो मान का कोई कारण नहीं, बिना कारण से कृष्ण मान किए हुए। इतने में राधा रानी मनाते मनाते थक गई, लेकिन कृष्ण का मान उतरा नहीं। राधा रानी तो दुखी हो गई, मैंने क्यों बोला मान करने के। इतने में उन्होंने यमुना के पास में गई, बोले देखो यमुने कृष्ण ऐसे मान कर लिए, उनको मान नहीं उतर रहा है, तुम कुछ कर सकती हो। बोले भैया मैं तो मिनटों में इनका मान को उतार दूंगा। बोले अगर उतार दिया ना, मैं चिरकाल के लिए तेरे में ऋणी बन जाऊं, ये काम को कर मैं नहीं मना सकती। इतने में यमुना देखने में तो काली काली हो, इतने में यमुना ने कृष्ण का रूप धारण किया। अब देखना जब कोई लड़की, लड़का तो कृष्ण कृष्ण है, अब देखना कोई लड़की तो सुंदरी होती है, लेकिन जब उन्होंने लड़की के रूप धारण की, बड़ी सुंदर चोटी और मयूर मुकुट पहन कर, कृष्ण जैसे उन्होंने सुंदर पीताम्बर पहन लिए, हाथ में बंसुरी ले लिए, इतने सुंदर यमुना ने इतने सुंदर कृष्ण रूप को धारण की, ये कृष्ण रूप, इतने में यमुना स्वयं कृष्ण रूप बन करके आए। इतने में इतने सुंदर यमुना थी, इसको देख करके जितने गोपियां है ना, बोले भैया ये तो लगता है नकली कृष्ण, असली कृष्ण तो यही है, मतलब इतने सुंदर ही वो बनी हुई थी। इसलिए उन लोगों ने जो असली कृष्ण को छोड़ दिया और नकली कृष्ण को पीछे भाग गए। कृष्ण बोले ये क्या हुआ, ये सब के सब मेरे को छोड़ दिया। अरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरि, आवाज आ रही है, कहाँ तक आ रही है? हरे कृष्णा। बोले असली कृष्ण को छोड़कर तो नकली कृष्ण को पीछे पड़े गए। कृष्ण समझ गए भैया दाल में कुछ काली काला है, हैं? लगता है ये है कौन। कृष्ण तो पहले सोच रहे थे क्या हम जमज संतान थे, लेकिन मैया मेरे से कभी बोले ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे से भी सुंदर दिख रहे हैं, ये तो असली कृष्ण ही दिख रहे हैं। इतने में कृष्ण समझ गए, समझ करके कृष्ण वो यमुना के पास में गए, जो नकली कृष्ण। बोले तुम कौन हो? बोले कृष्ण हो। बोले तू भी कृष्ण और मैं भी कृष्ण हूँ, दोनों ही कृष्ण हैं, इसलिए हम दोनों मिलते हैं। जब कृष्ण उन्होंने यमुना से गले में मिला है ना, फिर उनको पता चला भैया ये असली कृष्ण नहीं, ये नकली कृष्ण, ये यमुना पटरानी। बोले श्री यमुना पटरानी की। इतने में फिर कृष्ण का मान उतर गया। इसलिए ये जो यमुना ने ये राधा कृष्ण को मिलन कराया था, इसलिए कृष्ण यमुना के चरण में ऋणी है। इसलिए बोले देखो जब तक तो ये यमुना की कृपा नहीं होगी ना, ये यमुना नहीं, ये कौन है? कहते ये ब्रह्म द्रव गात्रम, स्वयं ब्रह्म ही। कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है ना, कहते ये यमुना प्रकट कैसे हुई? बोले एक समय कृष्ण ने अपना राग रागिणी को सुने, जब उन्होंने अपना राग रागिणी को सुने, उसी से कृष्ण का शरीर से श्वेत प्रकट हुई, पसीना निकली। जब पसीना निकली, मैया जसोदा ने कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा रखी थी, वो पसीना काजल में मिली। कृष्ण का प्रेम ही ये द्रवीभूत बनकर भी ये यमुना पटरानी रूप में। इसलिए यहाँ पर गोपियों ने अगर ये यमुना की जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब तक कृष्ण हमें नहीं मिलेंगे। तब गोपियों ने यही पर ही
बैठ करके हम लोग जहां पर बैठे हैं यहीं पर उन लोगों ने बैठ करके गोपी गीत को गाए। ये गोपी गीत में इतने शक्ति, कहते हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या अद्भुत रूप में बरन साड़ी ला दूंगा, नहीं तो गहना ला दूंगा, लेकिन ये पत्नी नहीं दी, नहीं लाई। पत्नी क्या करता ना मरते ना, अरे अपने जो साड़ी पहना है बड़े सुंदर गहना पहना है। उसी तरह यहाँ पर एक तरफ में कृष्ण की स्तुति और दूसरे तरफ में गोपियों ने कृष्ण को ताना मारते हुए वाणी बोल रही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वेद मेरे को स्तुति करती है, लेकिन उसमें जो आनंद मिलती है, लेकिन जब राधा रानी गोपियां मेरे को ताना मारते हुए बात करती हैं, वो वेद स्तुति से भी ज्यादा मेरे को मन को हरण करने वाले। इसलिए जब गोपियों ने यहीं पर गोपी गीत गाई, ये गोपी गीत में इतने शक्ति, अगर कोई गोपी गीत को अगर कोई गान करे तो भगवान को वहां प्रकट होना पड़ेगा, ठाकुर को वहां प्रकट होना पड़ेगा, उसमें इतने शक्ति हैं। हम इसका दो श्लोक गा लेते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल लो। बोले जयती तेधिका जन्मना प्रजातनी तेरा विशेष महत्व। क्यों? जहां पर कृष्ण स्वयं, यहां पर मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए। जब कृष्ण प्रकट यहीं पर हुए ना, इतने में कुछ गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके आसन बना करके भगवान को बैठाए, बैठा करके कुछ गोपियों ने आकर के कृष्ण को चरण पकड़ लिए, कुछ उनको तांबुल मांगे, कोई गलबहनी आदि। लेकिन कुछ गोपियां क्या की, दूर में रहे थे, लेकिन एक जो गोपी थी ना वो एकदम पास में नहीं फटक रही थी। कृष्ण को ऐसे भौंया से टेढ़ी नजर से, जैसे कृष्ण को मार डालेंगे, एकदम टेढ़ी नजर से कृष्ण को ऐसे देख रही थी, लेकिन कृष्ण केवल उसको तरफ में देख रहे थे। बोले कौन थी? ललिता। लेकिन भागवत में ना किसका नाम नहीं दी गई, लेकिन हमारे श्री सनातन गोस्वामी सब कुछ बोल दी। बोले जो चरण पकड़े हुए ताम पकड़े तांबुल मांगे कौन है? बोले ये चंद्रावली की दल है। लेकिन जो दूर में कुछ कॉपियां खड़ी हुई थी वो कौन है? कभी ललिता विष्णु केवल हमारे श्री राधा रानी को तरफ में देख रही है। इसलिए यहाँ पर कहती है सर्वश्रेष्ठ सखी कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए यहीं पर ही गोपियों ने कृष्ण को तरह तरह से प्रश्न करते हैं। बोले तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, कितने तरह के? तीन। क्या क्या बोलो? बोले एक व्यक्ति होते भजन करने पर जो भजन करता है, एक तरह के होते हैं करे नहीं करे तभी करता है, और एक एक तरह का होते हैं करो नहीं करो जिसका किसको प्रति कोई मतलब नहीं। बोले कृष्ण बताओ तीनों में तुम क्या है? बोले गोपियों ने कृष्ण को फंसाना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण भी तो छलिया है ना, वो फंसने वाले थोड़ी है। बोले देखो जो भजन करने पर जो भजन करते हैं वो कौन है? वो बढ़िया। जैसे 100 रुपया लेकर गए, 100 रुपया का माल दे दिया, कोई प्रेम थोड़ी है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। दूसरे तरह का तो करे नहीं करे तभी करते हैं। बोले कौन? बोले पिता माता। बोले पिता माता इतने हृदय होता है, भले ही बेटा जितने नालायक हो जाए, लेकिन मैया क्या सोचते, मेरे लाला है, मेरे बेटा है, भले ही जो कुछ हो जाए, लेकिन मैया के हृदय बहुत बड़ा हृदय मैया की है। और जो तीसरे तरह का होता है आत्मा राम आप्तकाम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। गोपियों ने बोले कन्हैया लगता है तू आत्मा राम आप्तकाम है नहीं, क्योंकि हमारी बगैर तेरा कोई काम नहीं चलता है, लगता है तू गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है।
क्योंकि तुमने बंसरी बजा करके हमें बुलाए और कहा बीच जंगल में छोड़कर चले गए। जब कृष्ण को फंसाने के लिए चाहे तब कृष्ण ने बोला देखो प्रेम दो तरह के, कितने तरह का प्रेम है जोर से बोलो दो। कहते प्रेम की दो पहलू है, एक विरह है और एक मिलन है, एक विरह है और एक मिलन है। कहते जो मिलन है से क्या होता है, सामने सामने मिलते हैं। लेकिन विरह में जैसे पति अगर घर में रहे, अगर पति अगर बोलता पानी दे दो बोल उठा, अगर दूर देश में रहता है, अगर साल में 10 साल में आला देखना कितना सेवा होती है पति हैं। इसलिए कहते लेकिन जब दूर में अगर पति रहे ना, पत्नी तीन भर याद करती कब आएंगे, अभी तक नहीं आए, कोई फोन नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया। अगर दूर में रहे ना कहते संपूर्ण रूप में चिंता में वो डूब जाता, को दिखाना चाहता था तुम्हारी हृदय में मेरे पति कितना प्रेम, केवल दुनिया को प्रेम को दिखाना चाहता था। जैसे किसी घर में ताला बंद हुआ है, अभी वो ताला को अगर निकालना, अगर घर की जो अंदर माल अगर निकालना क्या करना पड़ेगा, हाथुड़ी लेकर मारो ताला को, टूटेगा तब तो निकलेगा ना। इसलिए जगत में तुम्हारी प्रेम को दिखाना चाहता था, तुम लोग मेरे को कितने प्रेम करती हो इसलिए मैंने छोड़ा। अगर मैं तुमको नहीं छोड़ता तो ये गोपी गीत को गाती तुम लोग, दुनिया को पता चलता गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कितने भाव प्रेम, दुनिया को क्या पता चलता, नहीं चलता। इसलिए गोपियां मैं तुम लोगों को कहीं छोड़ कर नहीं गया, मैं बीच में ही बैठा हुआ था तुम्हारी बीच में, तभी तो बीच से प्रकट हुआ ना, कहीं जाता तो कहीं आता है ना, बीच से प्रकट हुआ मतलब तुमको छोड़कर कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारी बीच में था। फिर गोपी खुश हो गए, फिर भगवान की यहाँ महारास हुई और शंकर जी गोपी बन करके श्री गोपीश्वर रूप में शंकर भी रास दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए हम लोग जो भागवत में जो कथा जो सुने हुए कथा सारे यहीं की है। इसलिए यहाँ पर सारे भक्तों का, ब्रजवासियों का, गोपियों का चरण धूलि पड़ा हुआ और उनकी सर्वश्रेष्ठ लीला यहीं पर हुई और यहाँ का चरण धूलि लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाए और एक दिन आपकी लीला हमारी हृदय में प्रकाश हो। ठीक है, बोले बांचा कल उधर कृपा सिंधु भाई बच्चा।